हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे। आपको पता होगा हमारा जो पिछला वीडियो सीरीज चल रहा है वो सारा सीरीज जो है वो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे चालू है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं और उसी का अगले टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। और वो टॉपिक आप देख रहे होंगे वो है ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेशन है क्या ये समझ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में ये ट्रांसलेशन का मतलब अगर हम लोग मॉलिकुलर जेनेटिक्स में देखें तो इसका मतलब होता है क्या, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। एक्चुअली में डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है उस इंफॉर्मेशंस की मदद से मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ऑन राइबोसोम्स। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया है आपके लिए, द प्रोसेस ड्यू टू विच ट्रिपलेट कोडॉन, आपको याद होगा जेनेटिक कोड, इसका जस्ट पहले का वीडियो आपको देखना है, तो ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए पे पाया जाता है एंटी कोडॉन, मैसेंजर आरएनए पे पाया जाता है कौन सा कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन जो डीएनए के थ्रू आता है, और टीआरएनए पे पाया जाता है एंटी कोडॉन जो उस कोडॉन को रीड करता है ना। तो वही है, द प्रोसेस ड्यू टू विच ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ एम आर एन ए एंड टी आर एन ए एंटी कोडॉन एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन बाई कम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्चुअली में टी आर एन ए जो होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टी आर एन ए क्या करता है, कुछ स्पेशल टाइप के एमिनो एसिड कैरी करता है अपने एंटी कोडॉन के हिसाब से, और वो एंटी कोडॉन किसके लिए होता है, जो कोड मैसेंजर आर एन ए पे प्रेजेंट होता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म, जब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जब एक साथ कोऑर्डिनेट होता है ना, तब जा कर के बनता है आपका प्रोटीन, और इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो चलिए हम लोग इसी मैकेनिज्म को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी मैकेनिज्म को हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस मैकेनिज्म का कुछ स्टेप्स अवेलेबल है आपके सामने। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। चूँकि एमिनो एसिड जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर एमिनो एसिड साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है, तो वो एमिनो एसिड जो होगा वो सबसे पहले एक्टिवेट होगा। क्यों एक्टिवेट होगा, फॉर अटैचमेंट ओवर द टीआरएनए, है ना। तो देखिए, वही यहाँ पे किया गया है। देखिए, उसके लिए होता क्या है कि एमिनो एसिड एक्टिवेट होता है तो ये एक एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यहाँ पे देखिए एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, एंजाइम का नाम क्या है, एमिनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज, यही वो एंजाइम है। तो इस एंजाइम और एटीपी की मदद से ये एमिनो एसिड जो होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद क्या बनाता है, एमिनो एसाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कम्प्लेक्स बनाता है। देख रहे हो, ये टीपी एडीपी जो होता है वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, AMP, और इसका दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो अलग हो जाता है। देखिए, वही मैंने कर दिया है 2PI। ओके, तो ये क्या बना देता है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में क्या होता है कि अमीनो एसिड ATP की मदद से और एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटिस की वजह से ये एमिनो एसाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब यही कम्प्लेक्स जो होगा ना वो tRNA के साथ जुड़ेगा। तो देखिए, अगला स्टेप्स मेरा वही जा रहा है। देखिए, अगला स्टेप्स हमारा क्या आ गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या होता है कि टीआरएनए के साथ ये जो कम्प्लेक्स हमने बताया ना आपको, एमिनो एसाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कम्प्लेक्स, ये जुड़ जाता है। वही देखिए लिखा हुआ है, अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कम्प्लेक्स विद टीआरएनए, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखिए, यहाँ वही किया गया है, एमिनो एसाइल AMP एंजाइम कम्प्लेक्स जो है वो देखिए टीआरएनए के साथ जुड़ा है ना, और जब वो टीआरएनए के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। और साथ में देखिए, ये AMP और एंजाइम जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, ये जो AMP उसके साथ जुड़ा हुआ था ना, ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट कर जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये एमिनो एसाइल टीआरएनए कम्प्लेक्स जो होगा अब वो क्या होगा, तो ये जो एमिनो एसाइल टीआरएनए कम्प्लेक्स जो बना, जो एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है वो राइबोसोम के टुवर्ड्स मूव कर जाएगा, उसका मूवमेंट जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, राइबोसोम के टुवर्ड्स। ओके, तो ये आप समझ गए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए।
अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या अगला स्टेप हमारा आ गया फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यही मेन प्रोसेस है आपका। अब पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन होगा उसका थ्री बेसिक स्टेप्स देखिए है, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलोंगेशन और एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब वो इनिशिएट करेगा, इलोंगेशन का मतलब क्या हो जाएगा जो चेन बनेगा पॉलीपेप्टाइड का वो चेन क्या होगा इलोंगेट करेगा मतलब उसमें ग्रोथ होगा, और टर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा ये स्टॉप कर जाएगा। तो हम लोग एक एक करके इस स्टेप्स को देख रहे हैं। अब जैसे देखिए सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ इनिशिएशन। देखिए इनिशिएशन को समझने के लिए, चूँकि इनिशिएशन एक मैकेनिज्म है तो इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल्स उपलब्ध चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल्स हमको आरएनए के अगल बगल में चाहिए। तो देखिए आपको क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए या तो 30S का या 50S का। 30S किस में चाहिए, ये आपको चाहिए प्रोकैरियोट्स में, और 50S किस में चाहिए, ये चाहिए आपको यूकैरियोट्स में, है ना। तो इनिशिएशन के लिए आपको ये दो टाइप का आरएनए चाहिए, ओके। और क्या चाहिए, देखिए एनर्जी के रूप में आपको चाहिए जीटीपी और Mg2+ जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, जो आपका राइबोसोम का अटैचमेंट होता है बड़ा और छोटा यूनिट, तो उसमें ऑलरेडी बीच में Mg2+ जो होता है वो होता है, मैग्नीशियम आयन ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और क्या चाहिए आपको, मैसेंजर आरएनए चाहिए जो कोड कंसिस्ट करता है, और चाहिए चार्ज टीआरएनए, जो चार्ज टीआरएनए हमने पीछे पढ़ा है वो चार्ज टीआरएनए चाहिए, ओके। अब अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में ये थोड़ा सा आपको अलग अंतर मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या आपको चाहते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में आपको इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो देखिए उसकी संख्या यही है, तीन इनिशिएशन फैक्टर अवेलेबल होता है, उसका नाम है IF1, IF2 और IF3। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ये कैसे होगा और यूकैरियोट्स में ये कैसे होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले बात किया जा रहा है प्रोकैरियोट्स का। देखिए प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था HD सीक्वेंस, है ना। प्रोकैरियोट्स का जो 30S का जो राइबोसोम था उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था HD सीक्वेंस। ये HD सीक्वेंस क्या था भाई, तो ये HD सीक्वेंस एक्चुअली में क्या था, देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 5' था ये, और 5' में क्या था, AGG U और 3', यही था ना आपका HD सीक्वेंस, जिसको हम लोग बोलते थे साइन डेलार्गो सीक्वेंस बोलते थे उसको हम लोग, जरा सा इसको हम लोग क्या बोलते थे, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, है ना, वही चीज़ बोलते थे इसको हम लोग। तो ये जो सीक्वेंस हमारा था ये सीक्वेंस कहाँ पाया जाता था, तो साइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो था वो मैसेंजर आरएनए में पाया जाता था। आपको याद होगा मैसेंजर आरएनए का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने आपको ये बताया था, और ये मैसेंजर आरएनए के किस जोन में पाया जाता था, तो एट द रीजन ऑफ इनिशिएशन कोडॉन, ये कहाँ पाया जाता है, इनिशिएशन कोडॉन के पास पाया जाता है ये सीक्वेंस, ठीक ना। तो ये सीक्वेंस जो होता है वो 30S आरएनए के साथ अटैच होता है, किसके साथ, 30S राइबोसोम्स के साथ अटैचमेंट होता है इसका, चूंकि ये प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक ना। और देखिए वही लिखा हुआ है स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, और स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम मतलब क्या हुआ, 30S राइबोसोम, और विद द हेल्प ऑफ क्या, AST। देखो ये क्या हो गया, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस हो गया ना, इसको बोलते हैं एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, देखिए वही लिखा हुआ है, क्या है ये, एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ये इसके साथ अटैच होता है। तो एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो आप देख रहे हो ये किस पे अटैच होगा भाई, जब ये आपका मैसेंजर आरएनए का यूनिट है तो ये किस पे अटैच होगा, तो ये अटैच होगा आपको किस पे, तो आरआरएनए पे, राइबोसोमल आरएनए पे इसका अटैचमेंट होता है, ठीक ना। एंटी साइन का जो अटैचमेंट होता है वो किस पे होता है, राइबोसोमल आरएनए पे, और ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के साथ अटैच करेगा, और अटैच करने के बाद कहाँ पे अटैच करेगा, तो इनिशिएशन पार्ट पे, ठीक ना। और अटैच करने के बाद फिर फर्दर आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा। फर्दर आगे का क्या प्रोसेस है भाई, तो आगे का प्रोसेस देखिए क्या है, फॉर्माइलेटेड, है ना, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन इज अटैच। देखो अगर प्रोकैरियोट है तो फॉर्माइलेटेड, और अगर यूकैरियोट है ना तो एंटी फॉर्माइलेटेड अटैच हो जाए, या फिर नॉन फॉर्माइलेटेड अटैच होगा ये, तो फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन अटैच होगा इनिशिएशन साइट पे, किसके साथ, तो टीआरएनए के साथ और स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ,
ओके। उसके बाद क्या होगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो 70S का जो राइबोसोम है वो अटैच होगा किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या बना देगा, टीआरएनए मेथियोनिन कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। जब देखो ऐसे आप समझो कि स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच किया कौन, तो ये एचडी सीक्वेंस अटैच किया, किसके साथ अटैच किया, तो एचडी सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के पास है, राइबोसोमल आरएनए के पास क्या है, एएसडी सीक्वेंस। ये दोनों जब अटैच करेगा किसके साथ, स्मॉलर सब यूनिट के साथ, साथ ही साथ क्या होगा, फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन का अटैचमेंट होगा उस साइट पे, है ना। वही ये देखिए, फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन अटैच टू ट्रांसफर आरएनए ऑफ अ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और तब जाकर के फिर लार्जर सब यूनिट आएगा, और लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट में क्या होता है, 70S का होता है, तो वो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक साथ मिल जाएगा आपस में, और क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, मेथियोनिन कम्प्लेक्स, इसी का फॉर्मेशन करेगा वो। तो आप समझ रहे होंगे प्रोकैरियोट्स में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यूकैरियोट्स में क्या चलता है। अब देखिए यूकैरियोट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या था, थ्री इनिशिएशन फैक्टर था ना। देखिए यूकैरियोट्स में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स होता है, और जो एचडी सीक्वेंस और एसएचडी सीक्वेंस का जो अटैचमेंट होता है वो एज लाइक एज प्रोकैरियोटिक ही होगा, ठीक। साथ में इसमें देखिए क्या मिलेगा आपको, 40 sRNA, उसमें 30 sRNA था, तो ये क्या बनाएगा, 40 sRNA मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा टीआरएनए के साथ, और देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, नॉन फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन अटैचमेंट होगा, है ना। और नॉन फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन जब अटैच करेगा तो फॉर्मेशन क्या बनाएगा, इसका क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ 40 sMRNA टीआरएनए मेथियोनिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि इसके पहले प्रोकैरियोटिक में क्या बन रहा था, प्रोकैरियोटिक में ये बन रहा था 30 sMRNA टीआरएनए मेथियोनिन कॉम्प्लेक्स, और प्रोकैरियोटिक में ये बन रहा है 40 sMRNA टीआरएनए मेथियोनिन कॉम्प्लेक्स, और फिर इसमें लार्जर सब यूनिट जो होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ, 80S, देखिए क्या बनाया, 80 sMRNA टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये 70 sMRNA टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता था। तो आप समझ रहे होंगे यही एक थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको किसमें, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब बाकी क्या होगा देखिए, अब इसके बाद जब इनिशिएशन हो गया तो क्या स्टार्ट होगा, चेन का इलोंगेशन शुरू होगा। कैसे इलोंगेशन होगा, देखो इलोंगेशन को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि राइबोसोम जो होता है ना उसमें 3 डिफरेंट साइट्स अवेलेबल होते हैं। क्या नाम है भाई साइट का, देखिए क्या है, पी साइट जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडियल साइट, ए साइट एमिनो एसाइल साइट, और ई साइट जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट साइट। देखो फिगर के थ्रू अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, देखो मैं पहले एक बेसिक बात बता देता हूँ, पी साइट वो साइट होता है जहाँ पे इनिशिएशन शुरू होता है, ए साइट वो साइट होता है जहाँ पे जो नया चेन बनना शुरू हो जाता है, मतलब न्यू चेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब इलोंगेशन जो है वो रहता है, और ई साइट वो साइट होता है जहाँ से डिस्चार्ज्ड आरएनए, देखो चार्ज्ड आरएनए इसके पहले बना है, तो चार्ज आरएनए जैसे ही अपने एमिनो एसिड को छोड़ेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, नॉन चार्ज्ड हो जाएगा, वो चार्ज्ड वो डिस्चार्ज आरएनए ई साइट से एग्जिट कर जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कंटिन्यूइंग पॉइंट है, और ये क्या है, एग्जिटिंग पॉइंट, ठीक ना, वैसे ही कुछ है। अब देखिए इस मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग फिगर के द्वारा। देखो ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, और ये देखिए लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, है ना। अब ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बीच में आपको क्या मिलेगा, मैसेंजर आरएनए अलोंग विद कोडॉन। तो देखिए ये वाला जो आप साइट देख रहे हो ना, ये देखो इनिशिएटिंग साइट है, क्योंकि यहाँ पे है ना इनिशिएशन कोडॉन AUG, तो इनिशिएटिंग साइट, और इनिशिएटिंग साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, पी साइट। इस साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, पी साइट। और ये देखिए टीआरएनए है, और टीआरएनए के साथ मान लो एक एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड ए। अब देखिए यही जस्ट बगल में आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो पी साइट था ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ए साइट, मतलब इस साइट पे कोई नया आरएनए आएगा, है ना, नया ट्रांसफर आरएनए न्यू कोडॉन के साथ, न्यू एंटी कोडॉन के साथ आएगा जो इस कोड को रीड करेगा, तो ये ए साइट हो जाएगा।
और वहीं पे ये वाला जो साइट देख रहा हो, ये वाला जो जोन हमारा होगा ना, वो हो जाएगा ई साइट। यहाँ से वो आगे, वहाँ से ये छोड़ करके आगे निकल जाएगा। इसको और हम लोग फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ यही कुछ बताया हुआ, देखिए पी साइट पे ए यू जी है, ये हमारा ए साइट है, न्यू कोडॉन होगा। देखिए मान लीजिए ए यू जी वाला साइट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जब यहाँ अटैच हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये हटेगा तो वो इस तरफ से बाहर निकल जाएगा और नया आरएनए हमको इस तरफ से आएगा, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये इसके ऊपर क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। ओके, तो एमिनो एसिड एक है, वन एमिनो एसिड है, और ये देखो एमिनो एसिड टू है। ओके, तो कुछ इसी तरह से ये सिक्वेंस जो होता है वो क्या करता है, चेंज जो होता है इसका इलोंगेट करना शुरू कर जाता है। तो चलिए आगे के फिगर में हम लोग इसी चीज को देखने जा रहे हैं। देखिए ये साइट सीक्वेंस ऑफ राइबोसोम है, तो देखिए ये ई साइट हो गया सबसे पहले, ये वाला देखिए पी साइट जिस पर कि आपका इनिशिएशन शुरू होगा, और ये ए साइट जिस पर कि कोई नया टीआरएनए जो होगा एमिनो एसिड के साथ आएगा, है ना। अब देखो वही मैंने यहाँ बताया है कि टीआरएनए विथ इनिशिएशन कोडॉन ए यू जी जो इनिशिएशन कोडॉन है वो देखिए अलग अलग चीज़ होता है। प्रोकैरियोट के लिए क्या बनाता है, फॉर्माइल मिथेनिन, और यूकैरियोट में ये क्या बनाता है, नॉन फॉर्माइल मिथियोनिन। आपको याद होगा मैंने पीछे भी बताया है, इसी वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है। तो ये क्या होगा, किस पर अटैच करेगा, पी साइट पे, फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा। अब देखिए न्यू टीआरएनए अटैच विथ इस ए साइट, नया टीआरएनए जो मेरा होगा ना, ये मान लो नया टीआरएनए है, तो ये क्या होगा, ए साइट पे अटैच करेगा विथ न्यू एंटी कोडॉन, जो कोडॉन यहाँ पे होगा, जो मैसेंजर आरएनए के पास यहाँ पे कोडॉन होगा उसी कोडॉन को रीड करते हुए यहाँ पे क्या करेगा, एमिनो एसिड को लाएगा अपने साथ। वही है न्यू टीआरएनए अटैच विथ ए साइट विथ न्यू एमिनो एसिड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अब क्या कहता है कि सी डबल ओ एच ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में सी डबल ओ एच ग्रुप होता है ना, एट पी साइट। देखो पी साइट पे, देखो पी साइट पे अगर मान लो कोई आरएनए है, यहाँ पे मान लो कोई आरएनए है आपका, देखिए ये मान लीजिए आरएनए है, तो पी साइट पे आपको क्या मिलेगा, एयूजी इनिशिएशन साइट है, ये एयूजी साइट यहाँ पे मिलेगा आपको। वही चीज़ बता रहा है ये कि सी डबल ओ एच ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड एट पी साइट अटैच विथ NH2 एमीन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड एट ए साइट, है ना। देखो मैं इस फिगर से बता रहा हूँ आपको कि ये हमारा पी साइट था, और देखिए ए साइट पे नया आया, तो जो नया आएगा, जो यहाँ पे नया आएगा उस एमिनो एसिड का कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, और इस एमिनो एसिड का सी डबल ओ एच ग्रुप। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ए साइट पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप एमिनो एसिड का पाया जाता है जो अटैच करता है पी साइट के एमिनो एसिड के किस ग्रुप से, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो वही मैंने बताया है यहाँ पे आपको कि पी साइट पर जो अटैचमेंट होता है किसके साथ, NH2, और ए साइट जो होगा उसके पास, सॉरी सी डबल ओ एच ग्रुप जो होगा वो पी साइट के लिए होगा, और NH2 किसके लिए होगा, ए साइट के। ओके, और ये दोनों मिलता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। आपको याद होगा मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो क्या बनाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। वही है, अब देखिए पेप्टाइड ट्रांसफरेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच करेगा तो कोई ना कोई तो चाहिए ना यहाँ पे एंजाइम। वही देखिए एंजाइम है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम इन वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और यहीं पे आपको एक और एंजाइम काम करता है, दैट इज 23S RNA, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। ये भी बहुत VVI टॉपिक है इसका, बहुत ही VVI क्वेश्चन बनता है ये भी कि कौन सा RNA जो होता है वो राइबोजाइम के जैसा एक्ट करता है, तो ये कौन सा RNA है, 23S RNA। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगा भाई कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन पी साइट ऑफ ए आर एन ए एंड ए साइट ऑफ ए आर एन ए ऑफ एमिनो एसिड, है ना। पी साइट और ए साइट, जैसे मान लो ये पी साइट वाला एमिनो एसिड आपका है और ये देखिए ए साइट वाला एमिनो एसिड है, तो पी साइट वाला जो एमिनो एसिड है ना वो ए साइट वाले एमिनो एसिड के ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा। वही है देखिए, न्यू ए साइट फॉर्म्ड फॉर न्यू टी आर एन ए, है
है ना। नया टीआरएनए जो बनेगा वो क्या होगा, नया टीआरएनए जो होगा वो न्यू ए साइट पे आएगा और ये वाला हिस्सा जो होगा अपने अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा इसके ऊपर। इसको हम लोग फिगर के थ्रू आगे समझने वाले हैं। आगे देखिए क्या कहता है, टीआरएनए ऑफ पी साइट शिफ्ट टुवर्ड्स ई साइट, है ना। देखो जब पीआरएनए जो होगा, ये जो आरएनए जो आप देख रहे हो, ये जो आरएनए होगा जब इसने अपने अपने अमीनो एसिड को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये अब किधर भागेगा, इधर भागेगा। ऐसा क्यों होगा, एक्चुअली में ये आरएनए जो होता है ना, सॉरी ये जो राइबोसोम होता है ना, ये इस मैसेंजर आरएनए पे रेंगता है, इस मैसेंजर आरएनए पे उसका स्लाइडिंग होता है। तो देखो तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा और ये साइट कौन है, ई साइट, और ई साइट जो मेरा क्या है, वो एग्जिटिंग साइट है। मतलब यहाँ से वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपना। अब तो इसके पास अमीनो एसिड है नहीं, तो जब अमीनो एसिड नहीं है तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर के क्या होगा, अलग हट जाएगा वो, ठीक ना। वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए वही मैंने बताया है कि टी आर एन ए ऑफ पी साइट शिफ्ट टुवर्ड्स ई साइट एंड रिलीज आउट। और देखिए क्या कहा गया है, राइबोसोम स्लाइड ओवर एम आर एन ए, है ना। अभी मैंने बताया ना कि राइबोसोम का स्लाइडिंग होता है एम आर एन ए पे, और वो स्लाइडिंग का डायरेक्शन क्या है, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, जिससे कि नया ए साइट बनना शुरू होगा उसके ऊपर, क्योंकि ए साइट वो साइट है जहाँ पर न्यू टी आर एन ए इंट्रोड्यूस होता रहेगा हमेशा, है ना। और इस आर एन ए, इस राइबोसोम को एम आर एन ए के ऊपर रेंगने में, इस स्लाइडिंग में मदद कौन करता है, तो देखिए एक एंजाइम नीचे मैंने बताया है, ट्रांसलोकेज, यही वो एंजाइम है जो राइबोसोम को मैसेंजर आर एन ए के ऊपर, जैसे ये मैसेंजर आर एन ए है और ये हमारा राइबोसोम है ना, तो इसको इसके ऊपर रेंगने में यही एंजाइम मदद करता है, ट्रांसलोकेज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं चेन टर्मिनेशन का। देखो चेन टर्मिनेशन क्या चीज़ है, चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि फाइनली एमिनो एसिड का जो सिंथेसिस है वो स्टॉप कर गया है, सॉरी एमिनो एसिड नहीं, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप कर गया है। कैसे, देखो विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप कोडॉन, आपको याद होगा स्टॉप कोडॉन मैंने बताया था ना आपको, तो ये स्टॉप कोडॉन आपको मैंने क्या बताया था, ये क्या था, UAA, UAG और UGA, इसका मैंने एक ट्रिक भी थोड़ा सा बताया था आपको, उल्लू आ जा उल्लू जा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते थे ओकर, क्या बोलते थे इसको, ओकर। उसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते थे, अम्बेर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अम्बेर, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, ओपल, है ना, ये भी नाम है इसका। तो ये जो स्टॉप कोडॉन अगर आ गया किसके ऊपर आ गया, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो ए साइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ से स्टॉप कर जाएगा, मतलब कोई भी अब नया टीआरएनए जो होगा वहाँ पे नहीं आएगा। तो जब नया टीआरएनए नहीं आएगा तो जो पुराना टीआरएनए के साथ जो अब एमिनो एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सारे चीज़ों को, वो सारे चेन को क्या कर देगा, हटा देगा वहाँ से। और हटाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। देखिए वही है, RF1, RF2, RF3, ये सब क्या है, रिलीजिंग फैक्टर अवेलेबल है, और ये एनर्जी का यूज़ करता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, GTP के फॉर्म में उसको यूज़ करता है। देखिए वही लिखा हुआ है कि रिलीजिंग फैक्टर एलॉन्ग विथ GTP ब्रेकेज द लिंकेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विथ लास्ट tRNA, अंतिम tRNA से वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है। और इस तरह से आप देखिएगा तो ऐसे करके आपको पॉलीपेप्टाइड का चेन बन जाएगा, है ना। और यही पॉलीपेप्टाइड का चेन जो बनेगा, इसी पॉलीपेप्टाइड के चेन को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। और इसका पर्पस फिर अलग अलग हमारे बॉडी में जो जहाँ जहाँ सेल में डिफरेंट टाइप का फंक्शन है वो फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा। तो चलिए अब ये सारे मैकेनिज्म को हम लोग एक साथ समराइज कर रहे हैं एक फिगर के द्वारा जो आपके NCERT में दिया हुआ है ट्रांसलेशन का। देखिए समझाते हैं, मैं फिर से एक बार आपको कि देखिए ये आपका देखिए मैसेंजर आरएनए है, और ये देखिए लार्जर सब यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, लार्जर सब यूनिट हो गया, और ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट हो गया, है ना, ओके। तो हम क्या पा रहे हैं इसमें कि मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके ऊपर टीआरएनए का, सॉरी ये राइबोसोम का अटैचमेंट है अपने छोटे सब यूनिट के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले एमिनो एसिड जो होगा वो एक्टिवेट होगा, याद होगा आपको, एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग होगा, टीआरएनए के साथ वो अटैच करेगा,
अब देखिए ये राइबोसोम के ऊपर आपको तीन डिफरेंट साइट मिलेगा। देखिए एक साइट जो ये वाला साइट है उसको हम लोग बोलेंगे ई साइट, ये बीच वाला जो आप साइट देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे पी साइट, और ये वाला जो साइट आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे ए साइट। देखिए यही तीन साइट अवेलेबल है, ई साइट, पी साइट, ए साइट। अब देखो तो जब इनिशिएशन शुरू होगा तो पी साइट से शुरू होगा। अब पी साइट पे देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन आएगा AUG, कौन लेकर के आएगा tRNA, और tRNA अपने साथ किसको लेके आएगा, मेथियोनिन को लेके आएगा, मिथाइलेटेड tRNA कम्प्लेक्स आपको याद होगा। अब मेथियोनिन को लेकर के आएगा, फिर उसके साथ वो अटैच कर जाएगा, और अटैच करके फिर क्या होगा इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और वहीं पे कोई नया tRNA इस कोडॉन के हिसाब से जो mRNA पे है उस कोडॉन के हिसाब से पर्टिकुलर एंटीकोड के साथ वो लाएगा किसको, एक नए एमिनो एसिड को। अब जैसे ही वो नया एमिनो एसिड को लाएगा ना तो क्या होगा, ये वाला जो एमिनो एसिड है ना वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए इसको आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरा जो है ना ए साइट पे मेरा क्या है, ए साइट पे हमारा है क्या, तो ये एक इनिशिएशन कोडॉन वाला हिस्सा है, मतलब ये tRNA है हमारा। अब इसके ऊपर मान लीजिए ये मेथियोनिन जुड़ा हुआ है, ये मेथियोनिन जुड़ा हुआ है। अब देखिए एक नया tRNA जो है आपका, ये मान लो नया tRNA है, वो एक नए एमिनो एसिड के साथ आया है, एक नया tRNA देखिए एक नए एमिनो एसिड के साथ आया है, क्या होगा ये यहाँ पे अटैच करेगा, ऐसे ऐसे अटैच करेगा, ये देखिए इस तरह से अटैच रहेगा ये इसके साथ, यहाँ देखिए अटैच कर जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हिस्सा इसका एंटीकोडॉन वाला हिस्सा है ना, तो अटैच कर गया। अब क्या होगा ना, ये जो tRNA जो पहले से पी साइट पे अटैच है ये अपने एमिनो एसिड को इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, ओके, और ये यहाँ से फिर क्या करेगा एग्जिट कर जाएगा, ये देखिए ये साइट है आपका, एग्जिट कर गया। तो समझ में आ रहा है कि अब देखिए ये नया चेन बन गया। अब ये क्या होगा, अब ये मेरा फिर से ये बन जाएगा, देखिए ये राइबोसोम जो होगा वो रेंग रहा है ना, राइबोसोम इधर मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा ये हिस्सा आपको इस हिस्से में आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, एक नया tRNA फिर देखिए आएगा एक नए कोड के साथ है ना, और नए एमिनो एसिड के साथ, नया tRNA जो होगा वो नए कोड और नए एमिनो एसिड के साथ आएगा, फिर देखिए ये इस तरह से आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ऐसे आ गया ये है ना, देखिए इस तरह से आ गया। अब क्या होगा, ये अपने अपने पूरे ये जो यूनिट आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो यूनिट आप देख रहे हो इस पूरे यूनिट को देखिए इसके ऊपर अब ट्रांसफ़र कर देगा, और देखिए ये चेन बन रहा है, और ये फिर यहाँ से हट जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म कंटिन्यूस चलता रहता है, ये मैकेनिज़्म जो होता है ना ये कंटिन्यूस चलता रहता है किसके ऊपर, राइबोसोम्स के यूनिट के ऊपर। और जैसे ही ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एंजाइम है उसको क्या कर देगा, इस tRNA से उसको ब्रेक कर देगा, और ये प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है, और मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। आप इस टॉपिक को समझिए और जा करके NCERT को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कीजिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और उन्हें भी हेल्प लीजिए, उन्हें भी लाभान्वित कीजिए उनके टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए। थैंक यू।